आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेके आई हूँ इन्फोसिस की तरफ से। जी हाँ, इन्फोसिस की तरफ से लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है, जहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। इन्फोसिस की जो वैकेंसीज आई हुई है, यहाँ पे कोई एग्जाम आपका नहीं है, डायरेक्टली आपके यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है। सारी चीजों को एक एक करके हम यहाँ पे कवर करेंगे, कौन सी प्रोफाइल है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या रहने वाली है, सारा डिटेल में आपको समझा दूंगी। स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन कैसे होने, दो चीजें बिल्कुल ध्यान से समझना, सारा कुछ आपका इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जाम भी आपका यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो सारी चीजों को एक एक करके कवर करेंगे, लास्ट तक वीडियो देखना, अपने दोस्तों के साथ फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाए। और एक जरूरी काम जरूर करना, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी क्या लोकेशन है, मतलब आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि आपके नियर बाय जो भी वैकेंसीज आती है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। एक और आपके लिए गुड न्यूज है, मैंने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ, आपकी ड्रीम कंपनी इन्फोसिस की तरफ से आई हुई है, जहाँ पे आप इंडिया में चाहे किसी विलेज से है, सिटी से है, डिस्ट्रिक्ट से है, टाउन से है, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, एनी फ्रेशर्स यहाँ एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपको कैसे कौन से स्टेप को फॉलो करके अप्लाई करना होगा, जॉब प्रोफाइल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन कैसे होनी है, हर चीज को डिटेल में वन बाय वन कवर करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखना हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर। अगर आप पहली बार आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि जो इसके बाद चैनल पे वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई है, हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेके अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो ऑफिशियल साइट है meetacademy.in, इस तरीके से गूगल पे लिखना, आपको पहले नंबर पे साइट मिल जाएगी, जाके आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस की लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, प्रोफाइल क्या है, हर चीज को वन बाय वन कवर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, प्यारा सा लाइक कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। फिलहाल बात करें रिक्रूटमेंट की, यहाँ पे एनी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। एक और आपके लिए गुड न्यूज है, देखिए दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आउट हुए हैं। एक नोटिफिकेशन आया है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB की तरफ से, और एक नोटिफिकेशन आपका इंडियन रेलवे की तरफ से बिल्कुल नया आया है। ये दोनों वीडियोस इसके बाद एक एक करके आपको हमारे मीत शर्मा चैनल पे मिलेगी। YouTube में टाइप करना मीत शर्मा, आपको पहले नंबर पे चैनल मिल जाएगा। फिलहाल बात करें यहाँ पे इन्फोसिस की लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट है जिनकी ड्रीम कंपनी है इन्फोसिस, उन्हीं की तरफ से यहाँ पे अपडेट आया है, जहां आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। मैं आपको पर्सनली बोलूंगी इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि काफी टाइम के बाद है इन्फोसिस ने ऑफिशियली वैकेंसीज को रिलीज करा है। आगे आपको समझाऊंगी क्या काम है, ठीक है। अब ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है, अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जाके आपको इस अपडेट के लिए अप्लाई जो है वो कर लेना होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप चाहे किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, चाहे आप किसी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आप चाहे फीमेल है चाहे मेल है, किसी को किसी तरीके की यहाँ कोई फी या इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे अप्लाई जो है करना होगा, ठीक है। क्योंकि इन्फोसिस आपको कभी किसी जॉब के लिए पे करने को नहीं बोलता है। अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बात करें, तो एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिव आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। अब इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए, जैसे कि आपका काम क्या रहेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलती हूँ, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग आपकी कैसे इसमें होने वाली है। चलते हैं स्क्रीन पे। सो इन्फोसिस की इन वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए हम सीधा आए हैं इनके ऑफिशियल साइट पे। मैं आपको सारी चीज यहाँ ना बहुत बारीकी से डिटेल में समझाऊंगी, वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज आई है ना, इस बार ऑल इंडिया के लिए अलग अलग आए हैं, ठीक है। आप ऑल इंडिया से अप्लाई करें, मेल एंड फीमेल दोनों। प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी
यहाँ समझा दिया है, एंट्री लेवल प्रोफाइल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, ठीक है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ऊपर इधर आप टॉप में देख पा रहे हैं ना रिक्रूटमेंट फ्रॉड अलर्ट, कई बार होता है कि आप किसी अनदर वेबसाइट पे अप्लाई कर देते हैं, आपको कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती है कि आपको इन्फोसिस में जॉब दिलवा देंगे, आप पे कर दीजिए, ठीक है, कई बार आपको फेक आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिखाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे किसी को कुछ पे नहीं करना, ये हम सीधा इनकी ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं इन्फोसिस के, ठीक है, यहीं पे आपको अप्लाई करना है, इन्हीं की तरफ से आपको कॉल आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपके कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री में अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए जीरो से एक साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जीरो मतलब फ्रेशर्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है आपको, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करिएगा। अब इधर आपको स्क्रोल डाउन करना है, स्क्रोल डाउन करने पर लास्ट में आपको ये ऑप्शन मिलती है अप्लाई के लिए, या आपको यहाँ क्लिक करना है क्लिक टू प्रोसीड पे, ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीजों को ध्यान से समझाऊंगी, एंड तक आपने वीडियो को देखना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बोल रहे हैं आप साइन इन करिए, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है आप अपनी ईमेल आईडी लिखिए, पासवर्ड लिखिए, आप लॉगिन होके यहाँ पे अप्लाई करिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉगिन तब कर सकते हैं अगर आपने इधर अपने आप को रजिस्टर करा हुआ, ठीक है, तभी आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे इन्होंने आपको ऑप्शंस मिल दिए हैं, आप सीधा गूगल से कर सकते हैं, फेसबुक से, लिंक्डइन से, या फिर आपका अगर ट्विटर पे अकाउंट है वहां से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इश्यू आते हैं यहाँ पे देखिए लॉगिन के रिगार्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ईमेल आईडी अपना लिखा हुआ है कि आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपने गूगल से करना है, फेसबुक से, लिंक्डइन से, ट्विटर से, तो आप यहाँ पे सीधा क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर मैन्युअली अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है, तभी हम यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड लिख के लॉग इन करके अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है, रजिस्टर पर यहाँ पे हमने क्लिक करना है, क्लिक करा तो ये पेज हमारे सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे हमें अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडल नेम ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ लिखना ही है, उसके बाद लास्ट नेम लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए, पासवर्ड रखिए, जो पासवर्ड रख रहे हैं उसी पासवर्ड को कंफर्म करिएगा, और यहाँ पे आपको टिक कर देना है, यहाँ पे देख रही है ना आपको ऑप्शन दिख रही है एक्नॉलेजमेंट की, ठीक है, इसको आपको प्राइवेसी नोटिस को रीड करके आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपने ईमेल आईडी यहाँ लिखी है और जो पासवर्ड यहाँ रखा है, ठीक है, वो हमें लॉगिन करते वक्त यूज करना है। जैसे हम यहाँ पे अब जाएंगे इधर बैक ऑप्शन पे, जैसे हम यहाँ पे बैक ऑप्शन पे जाएंगे इधर लॉगिन के ऑप्शन है ना, यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड लिख के लॉगिन होना है। अब जो आपने ईमेल आईडी पासवर्ड वहां रखा है वही सिर्फ आपको यहाँ लिखना है, कोई अनदर नहीं लिखना है कि आप किसी कोई अनदर ईमेल आईडी मेंशन करके आप उसका पासवर्ड लिखने लग जाए, ठीक है, अपना लिखना है जिसके साथ आपने रजिस्टर कराया अपने आपको। उसके बाद आपने सिंपल लॉगिन पर क्लिक करना है। अब जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे एक और पेज आपके सामने यहाँ ओपन, पे अपने आप को आप नेम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको लिखना है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, आप फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, आप फ्रेशर्स पे है वहां पे लिख देना। उसके बाद अपना लेटेस्ट रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड करना है, अपलोड करेंगे जैसे अपना लेटेस्ट रिज्यूमे उसको आपको सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है, रिज्यूमे अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे इन वैकेंसीज में सक्सेसफुली जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे जो जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं उसे स्टेप वाली वीडियो आप सामने खोल के इन वैकेंसीज को अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करना, आपका सक्सेसफुली यहाँ अप्लाई हो जाएगा, वो भी पहली बार में आपका अप्लाई हो जाए। सो जो जो स्टेप आपको बताए हैं उन स्टेप को फॉलो करके अप्लाई करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई होप आपको इसका वर्क समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिव इन्फोसिस के लिए आप यहाँ पे वर्क करेंगे, इन्फोसिस की तरफ से ये हायरिंग है। जो इन्फोसिस के एग्जिस्टिंग प्रोसेस चल रहे हैं उसमें आपको कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, जो भी इनके क्लाइंट आपसे क्वेरी कर रहे हैं उसको आपको रिजॉल्व करना होगा, दैट्स इट, ये आपका काम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ सिलेक्शन कैसे होने वो ध्यान समझिए कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन कैसे मिलने वाली है। इसी के साथ सबसे पहले हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैंने आपको बताया दो लेटेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि एक पंजाब नेशनल बैंक PNB और एक नोटिफिकेशन रेलवे का है, ये दोनों वीडियोज एक एक करके हमारे सेकंड चैनल मीत शर्मा पे आएगी, जाके आप सब्सक्राइब करें। फिलहाल हम इन्फोसिस के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें। देखिए यहाँ पे जैसे आपने अपनी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दी उसके बाद
एचआर आपकी प्रोफाइल का रिव्यू करेगा, उसके बाद आपको इनके एचआर की तरफ से कॉल रिसीव होने वाली है जो शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट होंगे उनको कि रिगार्डिंग इंटरव्यू, उसके बेसिस पे आपके यहाँ सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। अब यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग आपके रिज्यूमे के बेसिस पे हो रही है, आपका पहला फोकस यहाँ पे रिज्यूमे पे ही होना चाहिए कि आपको अट्रैक्टिव सा रिज्यूमे यहाँ पे बना के तब आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे देखिए, चाहे आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे आपका रिज्यूमे से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट करें, आपको डेफिनेटली यहाँ पे रिवर्ट बैक मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखना, वेट कर लेना, ठीक है। इसी के साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा फेसबुक पेज पे फॉलो रखें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं, ताकि नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप मिस ना करें। तो जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।